देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है पांच की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। 2024 के चुनाव से पहले एक गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन। उसके नाम को लेकर के बहुत सारी बातें की गई थी कि आखिर उसका नाम इंडी क्यों रखा गया है, जबकि हमने तो इंडिया रखा है। और उस वक्त जब विवाद पैदा हुए तो लगातार मीडिया पर हमला हुआ, विश्लेषकों पर हमला हुआ और बार बार कहा गया ये इंडी नहीं है, इंडिया है। लेकिन जब राहुल गांधी अभी अमेरिका गए थे तब एक वहां पर पत्रकार ने उनसे सवाल किया इंडी कहकर, तो राहुल गांधी ने कहा कि इंडी नहीं इंडिया। तब उसने कहा कि ए स्टैंड फॉर व्हाट, तो राहुल गांधी को लगा कि अब ये क्या बाउंसर आ गया, वो जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अब जब कल हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आए हैं तो उसके बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि इंडी अलायंस ही क्यों कहा जा रहा था इस गठबंधन को, क्योंकि इंडिया यानी भारत अखंड है, भारत के टुकड़े नहीं हो सकते, भारत का एक एक तिनका जोड़ करके भारत बना है, इंडिया बना है और उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई उसको नहीं तोड़ सकता। लेकिन इंडी गठबंधन खंड खंड हो गया है। भारत अखंड है, इंडिया अखंड है, लेकिन इंडी खंड खंड है। और ये खंड खंड ऐसे ही नहीं है, बल्कि जैसे ही कल हरियाणा चुनाव के परिणाम आए और ये पता लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फिर से धरातल में चली गई है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए, राहुल गांधी की शख्सियत पर सवाल खड़े हुए। हालांकि राहुल गांधी कल एक अननोन लोकेशन पर चले गए थे, वो अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए जीत या हार में उनके साथ नहीं दिखाई दिए। अब हारे हैं तो वो गायब हो गए, उनको पूरा भरोसा था कि एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं तो कांग्रेस पार्टी तो जीत ही रही है, तो फिर उनको तो अभी 2 दिन की छुट्टी मिल गई है, वो आराम से निकल गए। लेकिन उनकी लोकेशन भी किसी को नहीं पता थी। लेकिन परिणाम कुछ और आ गए, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने सीधे तौर पर कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के नैरेटिव को और कांग्रेस के मुद्दों को झुटला दिया और दरकिनार कर दिया। इसीलिए कल से लेकर अब तक अगर हरियाणा के परिणामों के बाद कुछ भी चर्चा चल रही है तो वो है किस तरह से इंडी गठबंधन के महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत, हर जगह पर जो अलायंस है, जो पार्टनर्स हैं, जो गठबंधन के और नेता हैं, चाहे वो शिवसेना की उद्धव गुट हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या तमाम और नेता हो, वो सभी एक एक करके राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस के बर्ताव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और तो और समाजवादी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ के आज उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी कर दी और उसमें वो सीटें भी शामिल हैं जिन पर कांग्रेस मांग कर रही थी कि हमें ये 2 सीटें गठबंधन के तहत हमें मिले, तो उन पर भी आज उम्मीदवारों का चयन हो गया, अनाउंसमेंट हो गया। तो सीधे तौर पर अब ये पता लग गया है कि इंडी अलायंस पूरी तरह खंड खंड बिखर रहा है। उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर में जो विजय आई है उनकी, उसका क्रेडिट कांग्रेस को बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कांग्रेस को तो बल्कि आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक बात कही थी और ये कहा था कि राहुल गांधी सही से प्रचार नहीं कर रहे हैं, जम्मू डिवीजन में, जम्मू रीजन में राहुल गांधी को ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वहां नहीं जा रही है। और परिणाम तो सबके सामने आ ही गए कि कांग्रेस कहां पहुंच गई जम्मू और कश्मीर में। तो अब जो खंड खंड गठबंधन है, वो इंडिया अलायंस है या कुछ और है या अभी भी नेता, इसी बात पर बहस करते और मीडिया को गरियाते दिखाई देंगे कि सिर्फ नाम को लेकर चर्चा चलती रहेगी लेकिन काम को लेकर वोट कहीं और बीजेपी बटोर लेगी। तो आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें और बयान जिनकी वजह से कल से आज तक ये मुद्दा अब चर्चा में है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है।
कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद, 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहां से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर अपने बलबूते पर जीते गए तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए, तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। ऐसे समय में जब कोई खड़ा होता नहीं नजर आता था, राहुल जी का संदेश लेकर हम गांव-गांव ठंड में, कड़ाके की ठंड में, कड़कती धूप में सब जगह हमारे वर्कर फैले, एक संदेश लेकर गए मेहनत की जमीन पर। लेकिन आज जब ऐसा नतीजा आता है, इनकी मेहनत पर, इनके पसीने पर, इनके खून पर पानी फिरा है, ये इस चीज को पार्टी को देखना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहां कहां कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ व आरक्षण बचाओ आदि का ये हथकंडा इस्तेमाल करके फिर इसकी आड़ में इन्होंने देश के विशेषकर भोले भाले एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को गुमराह करके वे इनका अधिकांश वोट लेकर अपने गठबंधन को तो मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कांग्रेस फेक नैरेटिव फैला रही थी, कांग्रेस जात जाति जाति में बैर पैदा कर रही थी, इसलिए वहाँ की जनता ने विकास को अपनाया और ये निगेटिव और फेक नैरेटिव को नकारा है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सब को एक परिणाम ने करारा जवाब देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, ये देश के लोकतंत्र की जीत है। मैं इनका झूठ 3 जगह चला है, एक हिमाचल में चला है, एक कर्नाटक में चला है, एक तेलंगाना में चला है, और अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। अब इनका झूठ राजस्थान ने ठुकरा दिया है, मध्य प्रदेश ने इनके झूठ को ठुकराया है, और छत्तीसगढ़ ने इनके झूठ को ठुकराया है, अब हरियाणा के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बता देता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे विपक्ष के कांग्रेस के जितने भी नेता हो या विपक्ष के नेता, उन सभी ने जो झूठ की राजनीति यहाँ पे फैलाई थी और झूठ की राजनीति के ऊपर जो राजनीति करना चाहते थे, तो जनता उनकी झूठ को समझ चुकी थी।
तो झूठ की राजनीति कौन कर रहा था, और खासकर झूठ 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 ये शब्द ऐसा हो गया है जो कल से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने तो बोला ही, और उन्होंने पूरा नैरेटिव दिखाया झूठ का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का, 2024 के चुनाव में भी दिखा, इस बार भी दिखा, आज भी प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब की तो उसमें भी उन्होंने ये बात उठाई। लेकिन ये झूठ का शब्द जब कुमारी शैलजा की तरफ से आ रहा है, हुड्डा की तरफ से आ रहा है, सुरजेवाला की तरफ से आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी के जो एलाय है यानी पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से आ रहा है, तो समझने वाली बात है कि क्या अब इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड में भी दिखाई देगा, क्योंकि जो आवाज़ बुलंद हो रही है वो अब सीधे महाराष्ट्र से आ रही है। उपचुनावों के नतीजे जो उत्तर प्रदेश में आएंगे और जब चुनाव होगा उसका तो पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो चुकी है। तो चलिए जरा सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं खास मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र से भी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ, विक्रम सिंह यादव जी हैं जो कि उद्धव गुट सेना के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त विजय कृष्णा जी हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट इनके नेता हैं। हालांकि शिंदे गुट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि शिवसेना अब एक तरीके से वही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी और कोर्ट ने भी कह दिया था। लेकिन रोहन गुप्ता जी कुछ ही देर में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अजय वर्मा जी शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। ये जो ब्लेम गेम शुरू हो गया हरियाणा में, इसकी उम्मीद तो खैर नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने जनता की आवाज़ ना सुनकर एग्जिट पोल की आवाज़ सुनी, आपको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और इसीलिए सरकार बिल्कुल बन गई है, राजभवन के दरवाजे अब हमारे लिए खुलने वाले हैं और हम चिट्ठी लेने वाले हैं। लेकिन अब जो ब्लेम गेम शुरू हो गया है, हुड्डा जी, कुमारी शैलजा, सुरजेवाला, किसकी जिम्मेवारी थी? देखिए रीमा जी, ये सब नया पाठ्यक्रम मोदी जी की टीम की तरफ से मार्केट में लाया गया है, कोई ब्लेम गेम नहीं हो रहा है। एक उदाहरण समझिए कि अगर आप सुबह अपने घर से एक फोन फुल चार्ज करके लेके निकलेंगी तो क्या 12 बजे तक वो बैटरी 99% 100% रहेगी? नहीं रह सकती ना। या तो आप उसे दोबारा चार्ज करिए या दूसरी बैटरी लगाइए या कुछ गड़बड़, बस इस चुनाव का सार यही है। मैं तो सुबह 9 बजे अपने घर से बैटरी चार्ज करके निकली थी, मेरे फोन में अभी बैटरी 70% है, अभी शाम के पांच बजे हैं। हाँ, तो जब 9 बजे निकली हैं, शाम के पांच बजे तक है, तो जब काउंटिंग 6 बजे शुरू हुई थी तो 6 बजे से जोड़िए 3 घंटे घटा दीजिए। काउंटिंग 6 बजे नहीं शुरू होती, काउंटिंग 8 बजे शुरू होती है। तैयारी तो आप 6 बजे से करेंगे। तैयारी तो कई लोग तो रात भर सो ही नहीं पाते हैं काउंटिंग से पहले, लोग तो रत जगह भी करते हैं, उसमें क्या बात है। मेरे पास 5:30 बजे रिपब्लिक टीवी की गाड़ी आ गई थी, मैं 6 बजे वहां पहुंच गया था, 6:30 बजे, और 7:15 बैठ गया था। तो मतलब मेरा भी एवरेज 70% का, आपने अपने मुंह से कह दी धन्यवाद। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा, 30 सेकंड में आपका जवाब दूंगा, 1 मिनट में। 24 की हार से घबराए हुए थे और 24 में एग्जिट पोल और सारे सेफोलॉजिस्ट और सारे चैनलों की जो छवि खराब संसार के 196 कंट्री में हुई थी कि अब की बार 400 पार, 400 पार का नारा वो 240 में कन्वर्ट हो गया था और सारे चैनलों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। तो देश की सरकार त्रिशुंक बन गई और त्रिशुंक पे नायडू, नीतीश और नरेंद्र, तीन की सरकार तीन पे टिक गई। जब तीन पे सरकार टिक गई तो अब इन्होंने तय करा कि कुछ तो नई रणनीति बनाई जाए। तो नंबर वन और नंबर टू में तय हुआ कि अब के सारे चैनलों को दिशा निर्देश जारी कर दो और सारे सेफोलॉजिस्टों को, जो कि सरकार जिसकी है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईडी, आपने देखा आखिर तक छापे लगे थे, उन्होंने जारी कर दिया आदेश और कहा कि पेपरों से कांग्रेस पार्टी को, अदर्स को जिता दीजिए, उसमें एग्जिट पोल में जिता दीजिए। और इधर सिस्टम के तहत हमने शिकायत भी दर्ज कराई है, जयराम रमेश जी ने, पवन खेड़ा जी ने, हमने भी, आप इवन देखिए, मैं वीडियो भेजे तो हाँ, कि हमने शिकायत दर्ज कराई है। एक तो ये वाली 99% की बैटरी वाली, और 17 से 20 सीटों पर ऐसा चेंज हुआ है जहां कभी, देखिए जनता में मैसेज था हरियाणा की, और केवल नायब सिंह सैनी का सुबह का मुख्यमंत्री जी का बयान सुन लीजिए मंदिर के बाद, बोले हम चुनाव हर हाल में जीतेंगे, हमारे पास सारे सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, हमारे पास प्लान बी और प्लान सी और प्लान ई भी तैयार है। अब दिक्कत ये है अजय जी कि मैंने जो बात कही अभी, मैं बीजेपी तक तो आई ही नहीं थी,
क्योंकि बीजेपी तक मैं तब आती जब रोहन गुप्ता जुड़ जाते, अभी तो मैं कांग्रेस पार्टी से जो सुर निकल रहे हैं उसी पर सवाल कर रही थी। मैंने हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला ये तीन नाम लिए और तीनों ही नाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों के हैं जिनके ऊपर कार्यभार था पूरे के पूरे इस चुनावी रणनीति का। अगर वो ब्लेम गेम कर रहे हैं इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ गई? नहीं, मैं वही करने जा रहा हूँ अब आपको बताने 30 सेकंड में। मैंने तो ये बताया कि बीजेपी चुनाव कैसे जीती, वो तो सबने एनालिसिस कर लिया कैसे जीती, सारे मुद्दे आ गए सामने, अब कांग्रेस कैसे हारी उस पर बात हो रही है। हाँ, नहीं नहीं, हम कैसे हारे तो मैंने अभी विजन बता दिया, नंबर 1-2। इसमें देखिए कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हुआ, 12% हमारी वोट बढ़ी है, 28 से हम 40 पे पहुंचे हैं, बीजेपी से ज्यादा वोट लिए, 6 सीट हमने ज्यादा लिए, 6 सीट हमने पिछली बार 31 थी हम 37 बने, 28% वोट से हम 40% पे पहुंचे हैं। और सुन लीजिए, हमने हमने मिलके कश्मीर जीत लिया इनसे, वहां वरना जंगल राज चल रहा था, कैसे चल रहा था पूरे देश को पता है, कश्मीर जीते हम, यहाँ हमारी वोट बढ़ी है, हम जीते हैं चुनाव। देखिए लोकतंत्र जीता है और सरकार का तंत्र हारा है, लेकिन चूंकि जो जीतता है वही होता है मुख्यमंत्री, बीजेपी के बने ये तंत्र की जीत है। और सबसे ज्यादा जो रक्त रंजित और छवि खराब हुई है वो सारे चैनलों की और सेफोलॉजिस्टों की हुई है, क्योंकि अब भारत के सेफोलॉजिस्टों पर चैनलों पर भरोसा संसार की कंट्री नहीं करेगी, हम करें या ना करें। नहीं, ये निचोड़ निकल गया, जनता के मैंडेट पर विश्वास करना चाहिए, बाकी किसी पर विश्वास वैसे भी देश में नहीं करना चाहिए, है ना। जनता के फैसले को तो स्वीकार करिए, फिर जनता ने जो फैसला दे दिया उसको स्वीकार करिए, सेफोलॉजिस्ट तो बाद में आते हैं। अब रुकिए एक मिनट, अब मैं आगे बढ़ूं। जी ने पूरी मेहनत करी, राहुल जी ने करी, शैलजा जी ने करी, कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं ने करी और हम सब ने करी, दीपक बावरिया जी ने करी। अब जनता ने अगर यही मैंडेट ईवीएम के साथ और सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर दिया तो वो हमें स्वीकार है। आपके भी धन्यवाद, जनता का भी धन्यवाद, लोकतंत्र का भी धन्यवाद, तंत्र का भी धन्यवाद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भी धन्यवाद। ओके, निवान शर्मा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आज राघव चड्ढा की तरफ से एक पोस्ट लिखी गई और उसमें था अगर मिलकर साथ चलते तो शायद कुछ और बात होती, तो दोष किसका रहा इसमें मिलकर साथ ना चलने का? और अब आगे तो अब दरवाजे बंद ही हो गए ना मिलकर साथ चलने के, मतलब दोष राहुल गांधी का था या राहुल गांधी तो चाहते थे आपके साथ में गठबंधन हो तो फिर हुड्डा जी ने मना कर दिया, तो दोष हुड्डा जी का था या कांग्रेस की गुटबाजी का था या किसका था? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार, और मुझे लगता नहीं है कि पोस्टमार्टम का कोई फायदा है, लेकिन एक चीज है कि इससे ज्यादा इजी इलेक्शन मुझे लगता नहीं है कि हो सकता था। हरियाणा में आप देख लीजिए माहौल इतना एंटी इनकम्बेंसी और एंटी बीजेपी माहौल था ग्राउंड पे, जितने विश्लेषक थे, जितने सर्वे थे, आप जनता से जाके सर्वे करा लीजिए, सब बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। अगर इस सिचुएशन में भी विपक्ष ये मौका चूक जाती है तो ये सोचना जरूरी है कि क्या वजह रही, कुछ तो ब्लंडर हुआ होगा, कुछ तो गलत हुआ होगा, जब इतना मेजर एंटी इनकम्बेंसी और आप तो ये सोच के बैठे थे कि बस अब मुख्यमंत्री डिसाइड करना और डेट डिसाइड करनी है कि शपथ कब लेनी है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, कहीं ना कहीं तो ब्लंडर हुआ होगा। तो ये मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को सोचने की जरूरत है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो फ्रंट फुट पे थे, जो सबसे बड़ी पार्टी हरियाणा में ऑपोजिशन में थी, उनको सोचने की जरूरत है कि कहां गलती हुई। ऐसे तो नहीं, हम देखिए हमारी ये खासियत है और हम तो बिल्कुल क्लियर है, हम ये ईवीएम और इन सब के चक्करों में नहीं जाते हैं, हमें तो इसी ईवीएम ने और इसी जनता ने 67 सीट्स भी दी हैं, 70 में से 117 में से 92 सीट भी दी हैं, तो हम इन सब चीजों में नहीं जाते। हमें तो ये पता है कि अगर इस सिचुएशन को भी एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, अगर इस सिचुएशन में भी जब सब आपके फेवर में था, जब सब बस आप जीत की दहलीज पर खड़े थे और फिर भी आप इतनी बुरी सिचुएशन में आ गए, तो मुझे लगता है आपको सोचने की और विचार करने की जरूरत है कि कहां ब्लंडर हुआ आपसे। नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी स्थिति हुई है आम आदमी पार्टी की, उसमें कोई आपकी अपनी जिम्मेवारी नहीं है, सारी जिम्मेवारी क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की हराने में? नहीं, देखिए मैं तो बहुत क्लियर आपको बताता हूँ, हम 2 साल पहले ही हमने हरियाणा में संगठन बनाना शुरू किया था, हमारे लिए हमारी हम बहुत नई पार्टी है, अभी हमें 10 साल ही हुए हैं, एक नया स्टेट में जाके बिल्कुल रिसोर्सेज के साथ लड़ना, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, प्लस पिछले 2 साल में आपने देखा कि किस तरह से हमें एक ट्रैक से हटाने की, ट्रबल करने की और एक परेशान करने की साजिश, हमारे सारी टॉप लीडरशिप हरियाणा चुनाव के दौरान जो है वो जेल में थी, बिल्कुल पहले ही बाहर आए, तो हमने तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश करी हम उससे सेटिस्फाइड है कि 7,000 गांव में हमने संगठन बना लिया, 90 विधानसभाओं पे हमने कैंडिडेट उतार दिए, तो बहुत लंबी लड़ाई है, हम आगे का जो रास्ता है वो और उस पे मेहनत करेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि अब ये अगर हमारी वहां पे हार हुई है तो वहां पे कुछ ऐसा जादू टोना हो गया, चमत्कार हो गया, हम इन सब बातों में नहीं जाते। हमारा ये क्लियर है कि आपको विचार करने की जरूरत है, हम तो एक इसको दूसरे तरीके
तरीके से रखें, मैं बहुत इजी कर देता हूं। अगर 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 कांग्रेस जो है 90 में से 35 सीटों पे आती है और 55 सीटें हार जाती है, तो अगर वो 8-10 सीटें अपने सहयोगियों को देके मिलके लड़ लेती तो उनका क्या नुकसान हो जाता। हम तो बिल्कुल क्लियर ये स्पष्ट बात कह रहे हैं, जब आप 55 सीटें हारने को तैयार हैं, आप 10 सीटें वैसे ही दे देते, सब मिलके लड़ते, एक नैरेटिव बनता। आप मुख्यमंत्री की लड़ाई में लगे रहे, आप मैं मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री, इससे नैरेटिव हिलता है, इससे जनता जो है वो कंफ्यूज होती है, इससे जनता के सामने एक विजन नहीं आता है। आप एक 10-year-old एंटी इनकंबेंट गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं। ओके, आते हैं इस चर्चा में बहुत सारे मुद्दे निकल कर आएंगे, लेकिन जरा मैं अब उद्धव गुट की तरफ से, क्योंकि संजय राउत और उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी और आज फिर प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत, तो जरा विक्रम सिंह जी, चल क्या रहा है ये? मतलब क्या ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में अब जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेवारी और आपका रोल, मतलब कि उद्धव ठाकरे का रोल तय नहीं करती, तब तक गठबंधन नहीं होगा? देखिए रेवा जी, गठबंधन की तो अभी कोई बात नहीं, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई गठबंधन नहीं होगा। और जहां तक ये लोग गठबंधन की बात करेंगे हरियाणा में, तो हरियाणा मैं समझता हूँ ये सब ऊपर से प्रेशर थे कि भाई गठबंधन करोगे तो जैसे सेंट्रल एजेंसियां लोगों के पीछे लगा रखी थी, जैसे हरियाणा में एक पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, उसे मायावती का समझौता करा दिया, एक जेजेपी है उसके साथ चंद्रशेखर राव का करा दिया, तो ये सारे ऊपर से प्रेशर थे। अच्छा, ये आप एक नया एंगल दे रहे हैं, कल से अब तक ये खुलासा नहीं हुआ था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एजेंसियों की वजह से नहीं हुआ अभी तक, ये नया निवांश शर्मा जी ने भी ये एंगल नहीं दिया था जो आप नया एंगल दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है, आप मुझे बताइए कि ये खुफिया जानकारी उनके पास भी नहीं पहुंची अभी तक। हाँ तो नहीं होगा, लेकिन यही था, आप और बताइए मुझे इसका क्या कारण हो सकता है, और कोई कारण है नहीं ना, तो ये ऊपर से प्रेशर थे। और हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं था, बिना संगठन के चुनाव लड़ी है, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में पूरा संगठन है, महाविकास अघाड़ी मजबूत स्थिति में है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे नफरत की राजनीति हो रही है, ये हो रहा नफरत की राजनीति, ये लोग करते हैं, पूरे जो जनादेश दिया है पब्लिक ने हरियाणा में जो दिया था, पूरे एग्जिट पोल, सारी सर्वे रिपोर्ट, सब कुछ ये अधिकार कांग्रेस के फेवर में दिखाया था। लेकिन जिस प्रकार से ये जनादेश उठने का जो काम हुआ है ना, अगर इस पर आंख बूंद करके बैठे रहे लोग, तो ये तानाशाही यहाँ से देश में शुरू हो चुकी है। अगर इसी प्रकार से सभी राज्यों में होने लगा तो ये तो तानाशाही है फिर देश में, ये तो तानाशाही आ गई समझ लो। क्योंकि आप जब ये बताइए मुझे कि इस प्रकार से लोगों को विरोध कर रहे थे, लोग इनको घुसने नहीं दे रहे थे, लोग इनके काम से खुश नहीं थे, अग्निवीर से खुश नहीं थे। अरे सर, रुके, यादव जी आप जो नई बात कह रहे हैं, मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को चेहरा बनाना अब कांग्रेस की मजबूरी है? एनालिसिस होता रहेगा और हो भी रहा है, वो हमारा काम है, हम कर रहे हैं और पार्टियों का भी काम है, लेकिन अब तो महाराष्ट्र पर आगे की बात की जाए ना। महाराष्ट्र पे तो देखिए उद्धव ठाकरे को चेहरा अगर कांग्रेस बनाएगी तभी गठबंधन होगा ना, यही तो हम सोच पा रहे हैं कल से अब तक। ऐसा नहीं कि हरियाणा में जैसे खट्टर साहब को हटा दिया 6 महीने पहले, क्योंकि ठीक रहा, दूसरे के सिर पे फोड़ते हैं ये लोगों के, दूसरों की एक काम कुछ करते नहीं है, लोगों की टिकटें काटते हैं, उनको ठीकरा फोड़ते हैं, तो ऐसा वहां पे नहीं होगा। वहां पे अगर जिसका जो चेहरा बनेगा वो पूरे 5 साल तक चलाएगी सरकार चलेगी, और ऐसा कोई भी किसी तरीके का बीच में ये नहीं कि भाई उसको हटा दिया, उसको बना दिया, उसको हटा दिया, उसको बना दिया। विजय कृष्णा जी, एक मिनट, विजय कृष्णा जी, क्या एजेंसी है, एजेंसियों की वजह से हरियाणा में हारी है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी? जो भी सत्ता का परिवर्तन होता है वो मतदान से होता है, हमने पूरा समाज ने देखा है, एक फेयर इलेक्शन हुआ है हरियाणा में, इसमें तीसरी बार हैट्रिक करके बीजेपी ने लोगों का जो आम लोग है उनका वोट लेकर सत्ता में पुनरागमन हुआ है। मैं कांग्रेस को यही उपदेश देना चाहता हूँ। एक मिनट, आपसे विवाद नहीं करना चाहता हूँ, बहुत हमारा देश आगे बढ़ाना है, हमारा देश अखंड भारत देश है, वो मुझे समय दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। चाइना तो हमारे उत्तराखंड और उसमें अरुणाचल और उसमें लद्दाख में घुस गया, अखंड भारत की बात मुझे बात करने की मौका बीच में नहीं बोलिए, यादव जी बीच में नहीं, यादव जी उनकी बारे में उनको बोलने दीजिए। मैं बहुत बहुत शांत हूँ,
मैं अभी अभी आधा घंटे पहले रिक्शा पे आया हूँ, इतना बड़ा जलेबी खाया हूँ। आप देखिए ये हरियाणा चुनाव में विक्रम सिंह यादव जी बीच में नहीं बोलेंगे, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। लोगों का वोट नहीं मिला है, आप समझिए। हरियाणा इलेक्शन में ना मंत्र ना यंत्र ना तंत्र का उपयोग हुआ है। हरियाणा इलेक्शंस में लोगों ने हिंदू विरोधी गांधी को हरा कर मोदी जी की लीडरशिप को मजबूत किया है। हर दिन निष्काम कर्म योग में नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। हार या जीत नहीं है उनको कोई फर्क, हर राष्ट्र में जाते हैं और उस राष्ट्र की विषय पर चर्चा करते हैं। लेकिन आपने क्या किया है जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है? मैं इसी पर आती हूँ कृष्णा जी, मैं इसी पर आती हूँ। रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, एक मिनट, रोहन गुप्ता जी जुड़ गए और इसीलिए मैं इसी मुद्दे पर आती हूँ। एनालिसिस हुआ कल से, अब तक सभी लोग यही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अंदरूनी रिपोर्ट भी ली जाएगी, क्योंकि चाहे वो हुड्डा हो या शैलजा हो, सभी ने कह दिया है कि जांच होनी चाहिए, किसकी वजह से ये अंजाम निकला, क्यों ओवर कॉन्फिडेंट थे सभी लोग। और ये बात उमर अब्दुल्ला ने भी कही। लेकिन रुकिए यादव जी, एक तो बीच में मत बोलिएगा, आप दोबारा से आपको म्यूट करूंगी मैं अगर आप बीच में बोलेंगे तो। रोहन गुप्ता जी, आपके जुड़ने से पहले यहाँ पर अजय वर्मा जी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने सारे सबूत हमारे नेता रख रहे हैं, 6 बजे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, अभी भी हमें कोई विश्वास नहीं है। और एक बड़ा इल्जाम जो उनकी तरफ से लगा कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने दिया, ये एजेंसियों ने हम लोगों को हरवाया है। नीमा जी, मुझे लगता है ये दोनों पॉइंट पे डिस्कशन करना आपके टाइम क्या समय व्यर्थ करने बराबर है। कल तक सुबह तक 9:30 बजे तक 10:30 बजे तक लोकतंत्र सुरक्षित था, ईवीएम भी खतरे में नहीं था और चुनाव आयोग भी सेफ था। जैसे ही 1 घंटा हुआ तीनों खतरे में आ गए। अरे आपको लोकतांत्रिक जो तरीका है उस पर भरोसा ही नहीं है तो फिर मतलब ही क्या है? रीमा जी देखिए, इनको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब तक धरातल की नहीं समझेगी तब तक कुछ नहीं होना है। आपको ये मालूम ही नहीं है कि हरियाणा के मुख्य मुद्दे क्या है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये क्या तरीका है? नहीं, वो म्यूट है, आपकी आवाज नहीं जाएगी, आप ही बोलिए। अगर म्यूट कर दिया हमको, अपनी संवेदनशीलता के हिसाब से आप करिए। देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि धरा, मैं आपके वही डिबेट पे आया था तब भी मैंने ये चीज कहा था, क्योंकि हरियाणा में करीब 1.5 महीने से था मैं, पूरा चुनाव वहां पे रहा। जो धरातल की परिस्थिति अलग थी, वो हर रोज बदल रही थी। आज उनको ये लगा कि जिस प्रकार से लोकसभा के रिजल्ट आए हैं, हमने संविधान के नाम पे जो है दलित वोटों को ये सब हमने ध्रुवीकरण का प्रयास किया, वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता, चुनाव हर रोज बदलता है, हर रोज जनता की अपेक्षा बदलती है। जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी ने जनता की आवाज को सुनकर जो वादे किए उसको पूरा किया, जो नए वादे किए उस पर लोगों का भरोसा दिलाया और उस हिसाब से जनता का विश्वास बढ़ता गया। इन लोगों को तो अहंकार था, अति आत्मविश्वास था कि हम तो जीते हुए हैं, हम तो, हमारा जो नेता है शैलजा जी उनसे भी बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 6 TV इंटरव्यू दे दिए, एक भी नेता ने उनका संपर्क नहीं किया। तो ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस था या अहंकार था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इतनी बड़ी नेता के साथ ये व्यवहार हो रहा है तो भी दलित समाज हमको पूरा वोट देगा। ये अहंकार को जनता ने ध्वस्त किया है, पहली बात। दूसरी बात, करीब आप जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, ये एजेंसी क्या होगी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप एजेंसियों के सारे आपको चुनाव लड़ने हैं तो छोड़ दीजिए राजनीति। आपका आकलन कहाँ है? आपका कार्यकर्ता कहाँ है? आप बोल रहे हैं अगर 44 सीटों पे भाजपा जीती थी और 4 सीट, मैं आपकी चैनल पे ये चीज बोला था, आपने आंकड़ा जब पूछा था कि आपका क्या आकलन है, मैंने ये कहा था कि मिनिमम 44+4 48 सीटें हमारी आएगी। आप देख लीजिए अपना रिकॉर्ड निकाल के, आज वही चीज हुई। अगर आपका आकलन ही नहीं है, आपको ये मालूम ही नहीं है कि धरातल की राजनीति क्या है, फिर तो आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते रहिए, चुनाव आयोग पे कंप्लेन करते रहिए, ये करते रहिए। अरे ये तरीका हर चीज में भाजपा, अगर हर चीज में भाजपा तो आप पार्टी क्यों रन कर रहे हैं? अजय वर्मा जवाब दीजिए, हर चीज को कंप्लेन मत कीजिए। जनता जनार्दन का जो संदेश है वो साफ है। वो संदेश को जब सुनिए, एक चीज और रीमा जी, वो संदेश जब भाजपा की सीटें कम हुई तब भाजपा ने वो संदेश को सुना, उसके ऊपर काम किया। आज ये लोग हैं कि अहंकारी बनके वो संदेश को अनसुना कर रहे हैं और आज ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। अरे बंद करिए लोकतंत्र का मजाक।
अजय वर्मा जी, तब तक आप सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए, देश की जनता आपका मजाक बना रही है। ओके अजय वर्मा जी, संवेदनशील होकर जनता का जो संदेश है उसको स्वीकार करिए। रीमा जी आप तो योग्य एंकर है और सारे लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, हो सकता है मैं ही सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, और रोहन जी तो बिल्कुल हमारे छोटे भाई थे और मजबूती से करते थे, अब कोई परिस्थिति रही होगी उधर चले गए। एक मेरे जवाब सारे लोग दे दें, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था उस जजमेंट को रिजर्व करके रख देता है। 12 तारीख ये सहयोग नहीं प्रयोग था, 12 तारीख लास्ट डेट थी हरियाणा के चुनाव में नाम वापसी की, 13 तारीख की सुबह ही जजमेंट आता, 13 की शाम को केजरीवाल साहब बाहर चले आते हैं। इस चीज को हिंदुस्तान के लाखों लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्या सहयोग था, प्रयोग था, एक क्वेश्चन मार्क था, टाइमिंग थी क्या थी, क्योंकि नाम वापसी के बाद कोई संभावना बचती नहीं थी, 12 तारीख तक लास्ट डेट थी जो पेपर जमा करने की हरियाणा चुनावों में। इसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई है, अरविंद केजरीवाल की वजह से हार हुई है। नहीं नहीं, जो गठबंधन होने की नहीं, बात नहीं, जो आपने कहा, मैं तो हार पर एनालिसिस कर रही थी, रोहन गुप्ता ने हार पर बोला, लेकिन आप कहां से कहां आ गए, तो मैं यही जानना चाहती हूं क्या अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं हो पाए, वो जेल में थे इस वजह से कांग्रेस की हार हुई है हरियाणा में। लोग बता रहे थे, उनसे पूछा गया जेल लेंगे या बेल, तो उन्होंने कहा बेल तो बेल मिलेगी 13 की सुबह, जो लोग मुझे बता रहे कितना सच है कांग्रेस क्यों हारी, मैं वही बता रहा हूँ, कांग्रेस हारी भारत की जितनी इनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयास से जिससे ईवीएम कहते हैं, जिसे कहते हैं सिस्टम, जिसे कहते हैं तंत्र, जनता तो और हरियाणा के लोग, हरियाणा के वोटर, महिला, हरियाणा की पहलवान बेटियां, हरियाणा का बेरोजगार, हरियाणा का छोटा व्यापारी, हरियाणा के सारे लोग जिताना चाहते थे और हम जीते हैं। 12% हमें वोट ज्यादा 12 मिली है और 7 सीटें हमें मिली है। रोहन गुप्ता जी कर्नाटक की बनके बनना दीजिए सरकार, कोई फायदा नहीं है। मैं पूछ लेती हूँ, एक मिनट रुकिए, ब्रेक भी लेना है मुझे। अच्छा रुकिए रोहन गुप्ता जी, ये ईवीएम में आप लोगों ने एक सेकंड अजय जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, कर्नाटक तेलंगाना इन दो जगहों में आप लोगों ने ईवीएम में गड़बड़ी क्यों नहीं की और हरियाणा में ही क्यों की? बिल्कुल ये बात सही है आपकी, जम्मू कश्मीर में भी नहीं की, सिर्फ हरियाणा में क्यों की, ये सवाल तो आपका बनता है। ये सवाल है, ये देश की जनता, देखिए आपका एक फेमस डिबेट शो है रिहा, पूरे देश की जनता डीडी न्यूज देखती है, पूरे देश की जनता सोच रही थी कि किस प्रकार का विपक्ष है। आज ये अभी बोल रहे हैं कि केजरीवाल को छोड़ा इसलिए हमारा गठबंधन नहीं हुआ। अरे आपके नेता, आपके वरिष्ठ नेता ने आपके स्थानिक स्टेट यूनिट को कहा कि आप इसको संवेदना को तराशिए, आपके स्थानिक यूनिट ने आपको गुमराह किया, उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, ना हमको केजरीवाल की जरूरत है, ना हमको शैलजा की जरूरत है, क्योंकि हम तो जीते हुए। ये उनके हाल सवाल उनसे पूछिए जिन्होंने टिकट बांटी, सवाल उनसे पूछिए जिन्होंने हाईकमांड के आदेश को अनसुना किया, सवाल उनसे पूछिए। देखिए रीमा जी, मुझे लगता है कि ये जो डिबेट होती है, कभी भी कोई भी पार्टी जब चुनाव हारती है उसको सहर्ष जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, उसके पीछे के कारण मैं बता देता हूँ। अगर अजय जी भी हमारे साथी है, पुराने साथी रहे हैं, आप मेरा बात आप कम्युनिकेट कीजिए, मैं आपको 5 रीजन बता देता हूँ जिससे आपके हाईकमान को समझ में आए कि जनता क्या चाहती थी, हरियाणा क्या चाहता था। पहली बात, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद हरियाणा में जब सीएम चेंज किया गया, आज कोई भी पार्टी होती है एंटी इनकम्बेंसी रहने वाली है, जब सीएम भी चेंज हुआ तो उसको जिस तरीके से हैंडल किया गया, मनोहरलाल खट्टर जी का रिस्पेक्ट रखा गया, पूरी तरह से टीम बन के सबने काम किया, पूरा चुनाव कभी भी ये कोई नहीं आया कि खट्टर जी नारे, नहीं, हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, हर एक लीडर महत्वपूर्ण होता है, उसको संभालना, उसके ईगो को सेटिस्फाई करना या उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, ये पार्टी के आला कमान का और नेताओं का काम है। आप विपक्ष में थे, एक ऐसी नेता जो सांसद बनी थी, एक दलित चेहरा थी, आप संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे थे, आप उसको नहीं संभाल पाए, ये गलती किसकी है? हाईकमांड का काम था कि दोनों के बीच में जो है सामंजस्य ठीक से कम्युनिकेशन करे। शैलजा का लास्ट इंटरव्यू था कि मैं आखिरी बार आप कब मिले थे, बोले मेरे को सोचना पड़ेगा। तो अगर ये चीजें हैं तो आप दूसरे पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। सवाल का जवाब तो आपको देना है कि आपके वहां मिसकम्युनिकेशन क्यों था, एक ब्रेक लेना है, लेकिन पहली बात, दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज, और एक आखिरी चीज मैं कहूंगा, चुनाव जो है रीमा जी, ये चुनाव हर रोज बदला है, ये मान के कांग्रेस का अहंकार का कि हमको आम आदमी पार्टी की भी जरूरत नहीं, अगर वो लोग करते 2%, अगर जो 1.5% वोट था शायद आगे पीछे होता, मुझे लगता है कोई ज्यादा फर्क पड़ता, पर यहाँ पे उनका जो दोहरा चेहरा है कि नहीं हम इंडी गठबंधन की बात करते हैं, हमारे को तो लोकतंत्र की रक्षा करनी, वो नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई आपकी जनता के सामने की बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज,
देश के बाहर जाके इनके नेता ने जो बयानबाजी की, मैं आपको कहूंगा ये ग्रासरूट की मैं बात कर रहा हूँ, वो जिस प्रकार से बयानबाजी हुई, जो सिख समाज के खिलाफ उन्होंने कहा, जिस प्रकार से ये कहा कि हम तो रिजर्वेशन हटा देंगे, ऐसे काफी उसका भी असर बहुत धरातल पे खराब पड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये तीन मुख्य कारण है, उनका अहंकार, अति आत्मविश्वास, जिस प्रकार से लीडरों को हैंडल करना चाहिए वो नहीं किया, एक ही लीडर के ऊपर आंख मूंद के आपने भरोसा किया, जमीनी जो है फीडबैक को वो नहीं लिया, और आपके बड़े नेताओं की बयानबाजी, ये पांच कारण है। और खर्ची पर्ची के ऊपर आपके नेता के जो बयान आए कि हम आते ही खर्ची पर्ची लागू कर देंगे, ये छह चीजें रिस्पॉन्सिबल है आपके पराजय की हरियाणा। ओके अजय जी, आऊंगी आपके पास, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अजय जी का जवाब और उसके बाद बाकी के मेहमान, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए पांच की पंचायत। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MBH की देगी मिर्च। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है, कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चलिए अजय जी, मैं बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, लेकिन अजय जी मुझे सिर्फ स्ट्राइक रेट के बारे में बात करना है, क्योंकि कल से ये सवाल भी खड़ा हो रहा है ना, किसका कितना स्ट्राइक रेट है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 72 चुनाव अब तक कांग्रेस हार चुकी है, और अभी भी जितनी जगहों पर, लगभग 12 जगहों पर राहुल गांधी ने रैली की हरियाणा में, जहां पर सिर्फ प्रदर्शन 5 पे ठीक रहा, बाकी की सब जगह हारी है कांग्रेस। तो क्या इन सब मुद्दों पर बात और एनालिसिस आपका नहीं होना चाहिए, या सिर्फ आपको उसी मुद्दे पर रहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों थे, कब बाहर निकले, ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, असली मुद्दे ये हैं। रीमा जी, हमारी एनालिसिस बींग्स इन सब चीजों पे पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही है, लेकिन आपने भी और रोहन जी ने भी मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि ये सहयोग था प्रयोग। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होके रिजर्व जजमेंट रख लिया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जजमेंट नहीं आया। किसी को ये मुद्दा उठाना चाहिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर निवान शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता, उनको उठाना चाहिए। वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, वो इसको मुद्दा नहीं बना रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अजय वर्मा जी इसको मुद्दा बनाएंगे। निवान जी, आपके लिए मुद्दा नहीं बना, हार का विषय ये है, अब हम ये कह रहे हैं, अब सुन लीजिए ना, आम आदमी पार्टी हमारा गठबंधन पूरे देश में, ये गठबंधन है, मैं फाइनल तो कर दूं, हमारा गठबंधन बाखूबी है, हर जगह है, मजबूती से हम लड़ेंगे, और जो हम मंथन करेंगे, रोहन जी जो कह रहे हैं उन बातों पे हम मंथन करेंगे कि भी आखिर ये सब चीजें थी या क्या थी, लेकिन जो मैंने कहा उस पर रोहन जी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना आपने कोई जवाब दिया कोर्ट के फैसले पर, उस पर कोर्ट के फैसले पर नहीं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, जवाब मिल जाएगा। एक मिनट रुके रोहन जी, निवान शर्मा देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो भी कहा, अगर आपको ऐसा लगता है ये संयोग प्रयोग जो भी आप बोल रहे हैं, तो आप सीटें दे देते, आपने क्यों नहीं सीटें दी? अगर आपको इतना ऐसा लगता है कि हमारे अलग लड़ने से जो है वो हार हो गई, तो आप हमें सीटें दे देते, हमने कब मना किया, पहली बात। दूसरी बात जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने 6-7 बातें गिनवा दी कि क्यों विपक्ष जो है वो हार गया, लेकिन एक भी ऐसी बात नहीं बता पाए कि क्या इन्होंने 10 साल में किया जो ये जीते। ये रियलिटी है कि भाजपा के पास 10 साल के लिए गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर ये हरियाणा में जीते हैं तो केवल और केवल विपक्ष की गलती की वजह से जीते हैं। इस पे कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है, किसी पर भी ब्लेम डालकर या कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते, इस पे सोचने की जरूरत है। बड़ा ब्लंडर हुआ है, बड़ी मिस्टेक हुई है, इस पे सोचना पड़ेगा, इस पे केवल इस पे सफाई देने से कोई काम नहीं चलेगा। हम तो आपसे कहते रहे लास्ट तक कि आप साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, हराएंगे बीजेपी को। एक भैया आपके साथ अगर आप हर वक्त थे, लेकिन जब डिमांड ही 50 सीटों की या 30 सीटों की होने लगेगी तो ऐसे ना करके वैसे आप मना लीजिए। सिंपल की बात ये थी, जो कहा गया था उस पर चर्चा नहीं हुई। आप 50 सीटों की 90 में से डिमांड कर सकते हैं हम हरियाणा में, आप खुद सोचिए क्या। मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूं, जो भी आपको ये विचार करने की जरूरत है कि आपसे गलती हुई है हरियाणा में या आपकी स्टेट लीडरशिप से हुई है, उस पर विचार करने की जरूरत है।
उस पे आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। भाजपा हरियाणा में पूरी तरह हारी हुई थी, इन्होंने हार मानी थी, उसकी दो सबसे बड़ी वजह बताता आपको। नंबर एक, इन्होंने 6 महीने पहले जो है वो 9.5 साल के मुख्यमंत्री को बाहर निकाल दिया, और लास्ट दिन जिस दिन चुनाव था उससे पहले 12:30 बजे इनके एक बड़े नेता बीजेपी की रैली करते हैं और 2:30 बजे कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। उनको भी नजर आ गया कि भाजपा जा रही है। आप अंदर खाते भाजपा के किसी भी नेता से बात कर लीजिए, उसको उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें आ जाएंगी जब पूरा माहौल भाजपा के खिलाफ था, और फिर भी भाजपा पिछली बार से भी ज्यादा मेजोरिटी से जाती, तो कहीं तो गलती हुई है। नहीं, कहीं गलती नहीं हुई, क्वेश्चन मार्क तंत्र पर है, ये तंत्र का खेल है, तंत्र वो आपके तंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप बीजेपी के तंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो तो साफ कह रहे हैं ना कि आपके तंत्र में प्रॉब्लम थी, आपके तंत्र वाले लोग 99% बैटरी कहां से आ गई, 99% बैटरी कैसे बच गई, और केवल 99% बैटरी वालों पर बीजेपी के जीते हैं और 60-70% पर कांग्रेस जीती है। सवाल का जवाब दीजिए अजय जी, कि आपके तंत्र पर सवाल है। नहीं नहीं, हमारा तंत्र बिल्कुल सही था, हम जनता के साथ थे, जनता हमारे साथ थी, जनता ने हमें 12% भी बढ़ाया, 6 सीट प्लस करी, लेकिन जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स और ऑपरेशन लोटस के केस है, आगे दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं। नहीं, वो दोस्ती हमारी दोस्ती है, हम बड़े भाई की भूमिका में, हमारी दोस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेंगे, ये हमारे साथ ही हैं। टीवी चैनलों के बहकाने से कहीं कोई नहीं बदल रहा, चैनल नहीं बहका रहे, वो खुद कह रहे हैं। मैंने 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 ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हमारा नुकसान हुआ है एज अ ऑपोजिशन, हमें उस पर विचार करने की जरूरत है, ये तो हर एक को करना चाहिए, मेरा भी सिर्फ इतना कहना है, और कोई कहना नहीं है मेरा। रोहन गुप्ता जी को फ्रेम में लाइए, रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए। शायद टेक्निकल ग्लिच है, रोहन गुप्ता जी के पास आती हूँ। विजय किशन जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो हिपोक्रेसी है आज आके बहिर्गत हुआ है। आप देखिए, हाँ, हरियाणा में 10 साल का प्रो इंक्यूमेंसी है, आप बताइए पंत प्रधानी पर क्या आरोप हुआ कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा हुआ है, उसका उसके ऊपर जांच होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 2014 में यही राहुल गांधी का टाइटल था पप्पू, क्या कहा उन्होंने, मैं जीत रहा हूं, मैं प्रधानी बनकर आ रहा हूं। 2019 में क्या किया है उन्होंने, रफाइल का मुद्दा लाकर लोगों ने झूठ फैलाया, और इसके बाद अरे हमें मत बुलाइए, मेरा देश के बारे में ऐसे टप्पू को बुलाइए, ऐसे मैं कहता हूँ, मेरा प्रधानी को टप्पू को बुलाइए, ऐसे कोई टप्पू है कैसे आप बता सकते हैं? पता नहीं किस कपड़े में पहन के किस देश में आ गए, नकली भगवा पहन के आ गए, कैसा बना आप बताइए, ऐसे लोगों से डिबेट नहीं करता। जाति क्या है, यह वर्ण संकर क्या जाति है, मेरा जाति को आप, मेरा जाति पर आप हमला क्या कैसा कर सकते हैं? ये जाति जनगणना के विरोध में पूरा हरियाणा ने इकट्ठा होकर देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए ये वोट दिया, और बीजेपी को जैसा चेतन शर्मा ने हैट्रिक लिया है, ये प्रधानमंत्री जी का जीत है। कर्नाटक में ही वही ऐसा ही परफॉर्मेंस करते हैं पंत प्रधान जी, okay. कहीं भी आप देखिए, कर्मण्य ही वाचिका रस्य मा फलेश कदाचन, कर्म करो और रिजल्ट पर छोड़ो, भगवान को छोड़ दो। ठीक है, ये एक सवाल पैदा होता है, अजय वर्मा जी मैं फिर से आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या ये जो जाति का कार्ड है, प्रधानमंत्री ने भी कल इसका जवाब दिया और आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुओं को बांटकर, जाति में बांटकर और जाति करना, यही कांग्रेस का बांटो और शासन करो, ये रणनीति हरियाणा में काम नहीं आई। क्या अब कांग्रेस अपनी रणनीति बदलेगी महाराष्ट्र के लिए? रीमा जी, बांटने का काम देश की सरकार करती है, बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी एंड पार्टी करती है, हम लोग तो देश की सोशल फैब्रिक का ध्यान रखते हैं। राहुल गांधी जी, अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, रीमा जी आपकी अच्छी डिबेट होती है, अच्छे लोग बुलाया करिए, थोड़ा मेरा पूरा सुनने लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। आपके हिसाब से अच्छा बुरा तय नहीं होगा ना, उनकी पार्टी ने उनको भेजा है, वो ऑफिशियल प्रवक्ता है, अब बताइए अजय जी, नहीं बीच में मत बोलिएगा विजय जी, उनसे कहिए थोड़ा बाद में कर लेंगे, कृष्णा जी बीच में नहीं, हाँ ठीक है बोलिए, अपने बात टाइम रख लेंगे, उन्हें जो कहना है जो कहे कहे उनके। ठीक है, जाति में बांट कर ये आपको नुकसान बैकफायर करके गया है अजय वर्मा?
निवान जी, आपको लगता है कि जाति का कार्ड जो है उसको अब चेंज करने की जरूरत है? ये जाति जाति करके जो देश को बांटने की कोशिश थी इंडी गठबंधन की, या कहें कि राहुल गांधी की, वो बैकफायर कर गई, अब आगे के लिए रणनीति बदलने की जरूरत है? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हम पिछले दो साल से जो है वो हरियाणा के अंदर चुनाव की तैयारी कर रहे थे, हमने एक एक चीज देखी। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने जाति कार्ड खेला है हरियाणा में तो वो भाजपा है। मैं उसके सबूत दे सकता हूँ आपको। सबसे पहले जो इन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस आ गई या विपक्ष आ गया तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये किसने कहा? तो इससे क्या कार्ड खेलने की कोशिश थी? दलितों के लिए आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये तो पूरा बीजेपी ने कहा। ये तो राहुल गांधी ने कहा ना, अमेरिका में जाकर हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बीजेपी ने हरियाणा में कैंपेन चलाया है। दूसरी बात, पूरा बीजेपी ने पूरा कैंपेन शैलजा जी पर रखा। क्यों बीजेपी को जरूरत थी? शैलजा जी तो खुद ही कैंपेन का पार्ट नहीं बनना चाह रही थी कांग्रेस के। सर, मैं आपको वही बता रहा हूं, राहुल गांधी को जब हाथ दोनों के मिलवाने पड़े तब जाकर के वो सामने आई। पूरा जाति कार्ड जो है हरियाणा में भाजपा ने खेला है, चाहे वो शैलजा जी के नाम पर हो, चाहे वो आरक्षण के नाम पर हो। तो ये दोगुली राजनीति करते हैं। ये मुंह पे ये बोलेंगे कि आप कांग्रेस बांटने की या विपक्ष बांटने की कोशिश करता है, लेकिन ये पीठ पीछे जो है इनका पूरा कैंपेन और इनका तंत्र यही लगा होता है। विजय कृष्णा जी, जवाब दीजिए। विजय कृष्णा, जवाब दीजिए। देखिए, ये मुद्दा तब आ गया जब जनरल इलेक्शन हुआ है 2024 में। यही काम, यही विषय पर लोगों ने थोड़ा इधर उधर किया। उत्तर प्रदेश में यही चला है, भाजपा या शिवसेना, हम यही कहते हैं, हमारा जो पिछड़े वर्ग के लोग का आरक्षण कहीं भी स्तर पर उसको छीना नहीं जाएगा। परंतु जब राहुल गांधी जी ने भाषण शुरू किया है, उन्होंने कहा है कि हम दलितों के आरक्षण छीन लेंगे, वही अर्थ आया है। परंतु हमने हरियाणा में क्या किया है? सभी जातियों को इकट्ठा करके जाति के अनुसार वोट दो, देश के भलाई के लिए, हरियाणा के भलाई के लिए। शेतकारी एक जाति है, महिला एक जाति है, और बुरे बुरे लोग एक जाति है, पिछड़े वर्ग एक जाति है। वही जाति है आपका, जाति है क्या? आपने पूरा हिंदू जनरल कैटेगरी समाज को राहुल गांधी ने अमेरिका में सेशन दिया है कि आपने पूरा का पूरा संपत्ति करके रख चुके हैं। अरे झूठ बोल दिया, कहां से बुला रही है सारी डिबेट के लिए? पता नहीं क्या बेवकूफ ये लोग आ जाते हैं। आपके घर में घुसेंगे, अलमेरा तोड़ेंगे, पूरा संपत्ति छीन के जिया दिया, 8 बच्चों को हम संपत्ति देंगे। आपकी जाति पूछ रहे हैं, जाति पूछ रहे हैं आपकी, जाति क्या है बताइए वर्मा जी। अरे अजय जी, आपकी जाति पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। क्या आपके घर में घुस के आपके संपत्ति लूटते थे? क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आप मानेंगे? बोलिए, हर दिन अप्रिया सिन्हा थे, हर दिन वो सुप्रिया सिन्हा थे नहीं है, अप्रिया सिन्हा थे और राहुल गांधी बताते हैं जाति 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 के बिना उसके मुंह में कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा जिलेबी खाया, इतना बड़ा जिलेबी खाया, वो 5 साल के रहना पड़ेगा। हरियाणा है, अगर हम कोई सवाल किसी से करते हैं ना, तो खुद भी उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। राहुल गांधी सब जगह जाके पत्रकारों से जाति पूछते हैं, हर जगह जाके तुम्हारी जाति क्या। अब अजय वर्मा की जाति अगर विजय कृष्णा जी पूछ रहे हैं तो दिक्कत क्या है इसमें? वो भी तो आपकी जाति ही पूछ रहे हैं, जैसे राहुल गांधी सबकी जाति पूछ रहे हैं। अगर जाति पूछना ठीक है तो फिर जवाब देना भी ठीक है। भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट हैं, उनकी मेरे हिसाब से तो किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए। बहुत गलत बात है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आप हैरेसमेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी पूरा जैन समाज को जेनोसाइड करना चाहता है, जैसा हिटलर ने यहूदियों को जेनोसाइड किया है। अच्छा ठीक है, हमास। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। अजय जी, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछूंगी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
चलिए डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं बाज की पंचायत। अजय वर्मा जी सीधा जवाब, उसके बाद मैं विक्रम जी का, सब लोग 30-30 सेकंड में आप प्लीज जवाब दीजिएगा। पहले अजय वर्मा जी, जाति पूछना ठीक है क्या? अजय वर्मा जी फ्रीज हो गए ये लगता है। ओके विक्रम सिंह जी, जाति का कार्ड पूछना चलाना ठीक है क्या? महाराष्ट्र में चलेगा ये कार्ड? नहीं विमा जी, देखिए राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का तो नारा था, न जात पे न पात पे, मोह लगेगी हाथ पे। और राहुल गांधी जी ने तो विदेश में ये कहा था कि भाई सभी की सभी में जब तक समानता नहीं होगी हम आरक्षण को हटाएंगे नहीं। अब ये जाहिल बैठा है, ये पता नहीं कौन सी बात कर रहा है, क्या लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है ये? आपका राहुल गांधी, राहुल गांधी जिहादी लॉजिकल बीइंग है। कांग्रेस आके देश विरोध हिंदू विरोध विचारधारा से जीतना चाहते हैं। अच्छा रुकिए रुकिए, विजय जी बीच में नहीं, बीच में नहीं। अजय वर्मा जी लौट आए हैं। अजय वर्मा जी, क्या जाति पूछना ठीक है या पूछते रहेंगे इसी तरह? रीमा जी, राहुल जी ने ना तो अमेरिका में ऐसा कुछ कहा, ना हिंदुस्तान में ऐसा कुछ कहा। देश हित की बात, किसान हित की बात, बेटी हित की बात, महिला हित की बात, बेरोजगार हित की बात, हिंदुस्तान हित की बात करते हैं वो। ना तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती कांग्रेस पार्टी, ना कब्रिस्तान शमशान की करती, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान की करती। हमने कुछ नहीं, वो तो सुना। आप देखिए कोई कोई आदमी आ जाता है, कोई चीज करता है तो वहां पर नहीं पूछिए पूरे चुनाव 2024 में। नहीं नहीं, किसी से कोई चर्चा अगर होती है तो वो उसका परिपेक्ष, रोक रोक उसका पूछा नहीं पूछा, उसका परिपेक्ष ये नहीं होता जो आप लगानी है, इसको अपने तरीके से मत लीजिए। हम तो ये चाहते हैं, जाति नहीं पूछी थी, मेरा सिंपल सवाल था। जातीय जनगणना, हम ये चाहते हैं जातीय जनगणना इस देश में हो, लोगों को उनका हक मिले, जो दबे भुले पिछड़े। हम विरोध करते हैं भैया, आप कहां से आगे जातीय जनगणना विरोध करते हैं। अच्छी डिबेट कर रहे हो, जनसंघ करने का राहुल गांधी का षड्यंत्र है। हम आपके बीच में नहीं बोल सकते भैया, कांग्रेस का गुलाम है, ठीक है? आप हमास है, आप हिजबुला है। विजय जी बीच में नहीं, प्लीज प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं। हां अजय जी कंप्लीट कीजिए। रीमा जी, हम नहीं बोलते किसी के बीच में, अगर ऐसे बोलने बोलने दीजिए इन्हें। मैं ये बता रहा हूँ कि जातीय जनगणना की डिमांड अपन दबे कुचले पिछड़ों अगड़ों और उनको जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनको उनका हक दिलाना चाहते हैं जो आज तक नहीं मिला है। और 2014 में जाति का कार्ड नहीं चल पाया कांग्रेस के फेवर में, क्या निवान जी अब रणनीति बदलने की जरूरत है या नहीं है? देखिए आम आदमी पार्टी तो कभी भी धर्म और जाति कार्ड और ये सब पे यकीन नहीं रखती है। हमारा तो खुला सिंपल कैंपेन होता है, हम लोग काम करते हैं और काम के आधार पर वोट मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम हर चुनाव में धर्म और जाति आगे आ जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली का चुनाव आप देख लीजिए, दिल्ली में तो बहुत बिल्कुल खुले हम ये बीजेपी वालों को भी धर्म और जाति छोड़ के जो है वो काम की राजनीति पे आना पड़ता है, इनको इनको काम के ऊपर बात करनी पड़ती है। ऐसा ही मुझे लगता है पूरे देश में होना चाहिए। ये धर्म और जाति पे जब तक समझाया जाएगा क्या निवान जी, अभी तो आप गठबंधन का हिस्सा है, क्या कांग्रेस पार्टी को समझाएंगे कि वो अपनी रणनीति को बदले, अब बैठ करके चर्चा करें कि जाति का कार्ड नहीं खेलना, हिंदुओं को बांटना नहीं है, ये तमाम मुद्दे हटा करके डेवलपमेंट पर बात की जाए? नहीं, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हम कौन होते हैं इनको समझाने वाले? अरे आप उनके सहयोगी हैं। नहीं नहीं, हमसे सलाह मांगे तो हम बिल्कुल देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े बड़े नेता है कांग्रेस में, वो खुद अपना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। आई एम श्योर कि वो क्या आप अभी भी गठबंधन का हिस्सा है या नहीं, चलते चलते ये बता दीजिए, क्योंकि आपने पूरे शो के दौरान अपने आप को बिल्कुल अलग रखा है कांग्रेस पार्टी से, तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ में है आप या नहीं है? नहीं नहीं, देखिए हेल्दी डिस्कशन वही होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है हम एक ही तरफ चलते रहें और कुछ सोचे ना। हेल्दी डिस्कशन का मतलब यही होता है कि हम दोनों एक दूसरे को अपनी कमियां भी बताएं और पॉजिटिव्स भी बताएं और आगे के लिए अपने आप को और तैयार करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान पांच की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए जब समीक्षा होगी और समीक्षा हो रही है तो उसमें चीजें निकल कर सामने आ ही रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि कल, क्योंकि राहुल गांधी गायब थे, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जैसे करने लगे थे वो बीच में, कि प्रेस को बुलाकर बात करें या फिर कि अपना एक वीडियो बना कर दें। हाँ, दलित के घर जब वो उनका खाना खोज निकालने के लिए कि आखिर दलित क्या खाते हैं, वो वीडियो ज़रूर उन्होंने बना के डाला था, लेकिन उसके बाद से हरियाणा पर अभी तक कोई वीडियो आया नहीं है। तो कम से कम ये जो आत्मचिंतन, आत्ममंथन और ख़ासकर गठबंधन की एक जो सोच होती है, एक जो उसूल होते हैं, उनका पालन करने पर अब अगर दबाव शुरू हो गया है तो क्या कांग्रेस उस दबाव में आएगी या फिर कि अब एकला चलो रे महाराष्ट्र में दिखाई देगा? चलिए पांच की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।